पढ़ेंगे हाइपोथेसिस ऑफ नील्स बोर। नील्स बोर ने जो रदरफोर्ड मॉडल था हमारा, रदरफोर्ड मॉडल की जो लिमिटेशंस थी, जो कमियां थी, वो कुछ ऐसी थी कि वो न्यूक्लियस की या एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया था कि कैसे न्यूक्लियस स्टेबल होता है और किस तरह से उसका जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो कैसे कोई एटम स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, राउंड घूम रहा है, न्यूक्लियस के राउंड घूम रहा है और सेंटर में आके नहीं समा जा रहा है, वो क्या फोर्स है जो उसको बनाए के रख रहा है। तो इस हाइपोथीसिस को कुछ हद तक जो है नील्स बोर के मॉडल से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से न्यूक्लियस स्टेबल होता है और इलेक्ट्रॉन की क्या स्ट्रक्चर होती है, मतलब ये रदरफोर्ड की जो लिमिटेशंस हैं उनको फुलफिल करने में बहुत ही ज़्यादा हमारे पास हेल्पफुल है। तो सबसे पहले इसके हाइपोथीसिस से जानने से पहले कि नील्स बोर ने क्या बताया, तो 1913 के अंदर नील्स बोर ने जो अपना ये मॉडल दिया, ये दिया स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए। स्ट्रक्चर कैसे, कि हाइड्रोजन में कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जगह कहाँ पर है और उनका क्या स्पेक्ट्रम है उसको बताने के लिए। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो स्पेक्ट्रम हम कहते हैं किसी भी चीज़ को जब हम क्लासिफाइड करते हैं उसकी ऑल पॉसिबल चीज़ों में, मतलब क्या है कहने का, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के अंदर चक्कर लगाते हैं और न्यूक्लियस उनके बीच में होता है, तो जितने भी ऑर्बिटल उसमें प्रेजेंट होंगे, कक्षाएं, जिस वो ऑर्बिट वो होती है, जैसे आपका सन है, सन के अराउंड मार्स की ऑर्बिट है, अर्थ की ऑर्बिट है, तो अलग अलग ऑर्बिट है, हर प्लैनेट की अलग ऑर्बिट, ऐसे ही तो वो हर ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो भी अलग अलग होती है। तो जब हम इस सारी एनर्जीज को, ऑल पॉसिबल एनर्जीज को एक साथ क्लासिफाई कर देते हैं कॉन्सेप्चुअल वे के अंदर, तो उसे हम कहेंगे स्पेक्ट्रम। जैसे कि एक और एग्जांपल, जैसे हमारी लाइट है, तो लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में है और उस लाइट के अंदर जितनी उसकी पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होती है, चाहे वो विजिबल लाइट हो, विजिबल लाइट आपके 7 पार्ट में बढ़ सकती है, जैसे रेनबो है, तो रेनबो के 7 कलर्स की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो उसका क्या हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी होती है आपके पास, IR, इंफ्रारेड, रेडियो, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, ये सब चीज़ें आप इनकी फ्रीक्वेंसी जब हम डिवाइड करेंगे कॉन्सेप्चुअल वे में, तो उसे हम कहेंगे स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनर्जी लेवल की, उसने हाइड्रोजन के एटम के एनर्जी लेवल की एनर्जीज को डिस्क्राइब किया कि किस किस की एनर्जी कैसे होती है, तो ये नील्स बोर ने बताया। अब नील्स बोर की हाइपोथेसिस क्या है, उसके पोस्टुलेट्स क्या है उसके मॉडल की, तो सबसे पहले है सेंटर ऑफ द एटम इज न्यूक्लियस। जो एटम है उसका सेंटर जो होता है वो होता है न्यूक्लियस और वो होता है पॉजिटिवली चार्ज। इस पॉजिटिवली चार्ज एटम न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक पर्टिकुलर एनर्जी के पाथ होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये सर्कुलर पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल, इन्हें हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ ऑफ अ पर्टिकुलर रेडियस एंड एनर्जी, दीज पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। मतलब ये है कहने का कि हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे अलग अलग सर्कुलर पाथ है जिनकी रेडियस अलग अलग है। अगर मैं इस फर्स्ट वाले को देखूं तो इसकी रेडियस न्यूक्लियस से इतनी है, सेकंड वाले की इतनी है, तो ये अलग अलग रेडियस के सर्कुलर पाथ हैं जिनकी एनर्जी भी कैसी है, अलग अलग है। अब इलेक्ट्रॉन इन्हीं सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं और इन्हें ही हम कहते हैं या तो ऑर्बिट या फिर हम कहते हैं एनर्जी लेवल। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, जब ये अलग अलग रेडियस के सर्कुलर पाथ बनेंगे तो ये कंसेंट्रिक सर्कल के बेसिस पे बनेंगे। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब संकेंद्रित वृत्त, मतलब उसका सेंटर एक हो लेकिन रेडियस डिफरेंट डिफरेंट हो, बहुत सारे हम सर्कल बना दें इस तरह से, ये एक सेंटर हो गया, इसके अराउंड हमने बहुत सारे सर्कल्स बना दिए। तो
तो इस फॉर्म में ये ऑर्बिट्स यहाँ पर न्यूक्लियस के अराउंड होती है। अब जो ये ऑर्बिट है इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर से, जिसे हम बोलते हैं एन, और एन की वैल्यू होल नंबर हो सकती है, कोई सी भी होल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनफाइनाइट तक। अब एन इज इक्वल टू 1 है तो इसे डिनोट करेंगे के से, मतलब ये जो पहली ऑर्बिट है ये आपकी पहली ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू 1 होगा, दूसरी ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू 2 होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर आती है आपकी तीसरी ऑर्बिट तो उस तीसरी ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू 3 होगा। तो n इज इक्वल टू 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं k से, n इज इक्वल टू 2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं l से, फिर n इज इक्वल टू 3 को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, रेस्पेक्टिवली ऐसे आगे हमारा चलता जाएगा। These orbits are arranged in concentric circles denoted by n. ये concentric circle से represent हो रही है और n से denote करते हैं। n can be 1, 2, 3, 4 and infinite. If n is equals to 1, the value of orbit is k and for l, the value of n is equals to 2 and for m, the value of n is equals to 3 and so on. अब यहाँ पर एक और चीज़ समझने की है, वो ये है कि ये तो हमें समझ आ गया कि n 1, 2, 3 होगा तो ऑर्बिट जो है वो आगे चलती जाएगी आगे चलती जाएगी, लेकिन जो ये वाली ऑर्बिट है ये न्यूक्लियस से सबसे पास है n इज इक्वल्स टू 1 और जो सबसे पास होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि सबसे पास जो है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होता है। टाइटली बाउंड होने की वजह से स्टेबल बॉन्ड होगा दोनों के बीच में, और जो भी चीज़ स्टेबल होती है उनकी एनर्जी कम होती है, जो भी चीज़ स्टेबल होती है उनकी एनर्जी कम होती है। स्टेबल का मतलब स्थिर, हम स्थिर कब रहते हैं, स्टैग्नेंट कब रहते हैं, जब हमारे पास चलने के लिए एक्टिवनेस नहीं होती, और एक्टिव का मतलब स्टेबिलिटी एक्टिविटी की अपोजिट है। जब हम एक्टिव होते हैं तो हमारे अंदर बहुत एनर्जी होती है, हम कहते हैं कि हम एनर्जेटिक हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम स्टेबल हैं कोई काम नहीं कर रहे तब हमारी एनर्जी कम होगी। तो यही ये सबसे पास वाली ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होती है, तो के इज़ द ऑर्बिट ऑफ लोएस्ट एनर्जी। फिर जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ एन की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे एन इज इक्वल टू 2 पर जाएंगे तो ऑर्बिटल की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी और डिस्टेंस बढ़ने के साथ क्या बढ़ेगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा। इफ एन इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम न्यूक्लियस इज ऑल्सो इंक्रीज एंड एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज। तो के इज द ऑर्बिट विथ लोएस्ट एनर्जी, उसके बाद हम आगे जैसे जैसे जाएंगे एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो इसके बाद हम इसके अगले पॉइंट पर चल रहे हैं और इसका अगला पॉइंट है आपका, जिसे हमने बताया कि जैसे एनर्जी लेवल है तो ये एन इज इक्वल टू 1 है या एन इज इक्वल टू 2 है। तो इस ऑर्बिट में ये जो पहला ऑर्बिट है जिसके लिए n इज इक्वल टू 1 है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, n इज इक्वल टू 2 है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, और n क्या है, n कैन बी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो इफ n इज इक्वल टू 1 तो फॉर्मूला से हमारे पास आ जाएगा 2 × 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इन ऑर्बिट के मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2, तो 2 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के अंदर हो सकते हैं। इसी तरह से जब हम n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 × 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो फॉर l ऑर्बिट देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिटल, तो यहाँ 8 हो सकते हैं। इसी तरह से हम अलग अलग वैल्यू रख के अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं कि k में मैक्सिमम कितने होते हैं,
एल में कितने होते हैं, के एल, इसके बाद आता है हमारे पास एम, तो एम में आपके पास 18, और उसके बाद आता है आपके पास के एल एम एन, और तो आपके पास एन में होते हैं 32। आप 3 और 4 ऐसे ही आगे तक इसे निकाल सकते हो। इसके बाद का पॉइंट है हमारा, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम, जो एनर्जी को बताता है। उन्होंने कहा कि ये जो अलग अलग ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में नहीं रह सकता, जो बीच बीच में सर्कुलर पाथ है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन हर सर्कुलर पाथ में नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन उसी सर्कुलर पाथ में रह सकता है जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर, एम वी आर की वैल्यू एन एच अपॉन 2π के बराबर होती है, एन एच अपॉन 2π से के इक्वल हो, उसी में रह सकता है। अगर उसकी वैल्यू से कम है तो वो उस ऑर्बिटल में रिवॉल्व नहीं करेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है हमारा मोशन, सिंपल शब्दों में मोशन, मोशन मतलब गति, चलना। तो जब हमारा मोशन पे हमारे मास का फर्क पड़ता है, मास कोई चीज़ हैवी है, कोई चीज़ हल्की है, तो वो हैवी है या हल्की है, इस बात में जो मोमेंटम होता है वो आपका होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास मोशन के साथ जब इंक्लूड हो जाता है तो हम उसे मोमेंटम कहते हैं। तो इसका सिंपल अर्थ हमारा मोशन से है। एंगुलर मोमेंटम हम जब कहते हैं, जब हम किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, रोटेशन फॉर्म में होते हैं, तो मोमेंटम को हम एंगुलर मोमेंटम में निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे आर क्या है, एक पर्टिकुलर रेडियस जिसमें कोई भी मास का ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा है, तो उसके लिए मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी आर, और उसे हम क्या कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम। मतलब मास जब इंक्लूड है, जब वो सर्कुलर पाथ के अंदर है, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम। उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एन एच अपॉन 2π। एन क्या है आपका, वही नंबर 1, 2, 3, 4, 5। एच क्या है आपका, एच है प्लैंक कॉन्स्टेंट, प्लैंक कॉन्स्टेंट। और वी है आपकी वेलोसिटी, एम है आपका मास, आर है रेडियस, पाई आपका एक कॉन्स्टेंट है। तो ये सारी वैल्यू आपकी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, बस एन की जो वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4 है। तो उन्हीं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है जिनकी वैल्यू इसके इक्वल है, वरना तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा, सराउंडिंग नहीं घूमेगा उस ऑर्बिटल में। उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस नहीं होंगे जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम ये नहीं है। तो ये बोर्न ने बताया था, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिससे हम ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को समझने में हमें बहुत ही आसानी हो गई। इसके बाद अब इलेक्ट्रॉन सेम, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको कहा कि के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। जब ये सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे तो इनके एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, इनकी एनर्जी दोनों इलेक्ट्रॉन्स की सेम रहेंगी, सेम एनर्जी लेवल में चेंज नहीं होंगी। इसके बाद आपका पॉइंट है कि अगर इस n इज इक्वल्स टू 1 में से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है हायर ऑर्बिटल में, n इज इक्वल्स टू 2 में, तो ये बाहर जा रहा है, तो जब ये यहाँ जाएगा तो ये एनर्जी का एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि n इज इक्वल्स टू 1 की एनर्जी सबसे कम होती है, इसके बाद l की ज़्यादा होती है। अगर इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाना है ना, तो इसको अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। एनर्जी बढ़ाएगा कैसे, एब्जॉर्ब करके, तो एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल में आ जाएगा। ये भी हायर एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन एनर्जी का इसने एब्जॉर्ब किया है और इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, और जब ये इधर जाएगा तो जो एनर्जी का एब्जॉर्ब करेंगे उसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसी तरह से इसका अपोजिट, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में है, एन इज इक्वल्स टू 2 में है, वो 2 से आ रहा है 1 में लोअर एनर्जी लेवल में, तो जब वो नीचे आएगा तो इसकी एनर्जी तो कम है, उसके पास इस इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी है, तो वो बाहर निकाल देगा एक्सेस एनर्जी, एमिशन ऑफ एनर्जी करेगा, तो एमिशन करके लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएगा, और इस एनर्जी को क्या कहेंगे जो एमिशन होगी, एमिशन स्पेक्ट्रा। तो इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया इलेक्ट्रॉन के एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को। तो ये था हमारा बोर्स मॉडल, जिसने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को काफ़ी हद तक समझा पाया।
लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी हमारे पास लिमिटेशंस है। सबसे बड़ी लिमिटेशंस ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम केवल उन्हीं के लिए बता पाया जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या सिर्फ एक ऑर्बिट आपका के प्रेजेंट है, बाकियों के लिए ये बताने में फेल हो गया। तो कहाँ जाके फेल हो जाता है आपका बोस मॉडल? आपका बोस मॉडल फेल हो जाता है यहाँ जाके कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम को समझाने में असमर्थ है, नहीं बता सकता। तो बोर मॉडल की लिमिटेशन में पहला पॉइंट है आपका कि बोर क्या बताने में असमर्थ रहा, ये बताने में कि अगर इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा है किसी एटम में तो ये उनके स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया, नहीं बता पाया। तो ये केवल उन्हीं के लिए काम किया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो आयन हो चाहे वो आपका एटम हो, तो उन्हीं के स्पेक्ट्रम को ये बता पाया। सेकेंड पॉइंट कि उसने बताया कि के एलिमेंट ऑर्बिट होते हैं, तो के की एक लाइन होनी चाहिए, मतलब एक स्पेक्ट्रम के का, दूसरा स्पेक्ट्रम एल का, ऐसे ही आगे स्पेक्ट्रम उसने डिवाइड करे हाइड्रोजन के। लेकिन जब हमने उसके स्पेक्ट्रम को स्टडी किया अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक से, बहुत अच्छी क्वालिटी की, बहुत अच्छी क्षमता की माइक्रोस्कोपिक से जब हमने इलेक्ट्रॉन की स्पेक्ट्रम की स्ट्रक्चर को देखा, तो हमें उनके अंदर और छोटी छोटी छोटी, मतलब के और एल के बीच में भी हमें छोटी 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 लाइनें, एनर्जी लेवल दिखाई दी जहां पर इलेक्ट्रॉन हमें मिले। तो उसको नहीं बता पाया है कि वो छोटी छोटी लाइनें कैसे आ रही है इनके बीच में। वो छोटी छोटी लाइन आपकी आती है सब ऑर्बिटल्स की वजह से, जिन्हें हम कहते हैं SPDF, जिनके बेस पर हमने हमारी पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया हुआ है। तो वो बोर नहीं बता पाया था। बोर ने के एलिमेंट तो बताए थे बट सब ऑर्बिटल्स के बारे में उसने नहीं बताया हमको। और तीसरा पॉइंट हमारे पास इसका आता है कि जब कोई दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो बॉन्ड बनाते हैं, और बॉन्ड बना के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो किस तरह से होता है ये बताने में भी बोर फेल हो गया। तो लेकिन हालांकि बहुत अच्छा मॉडल इसने प्रेजेंट किया, इसने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को समझाया, ऑर्बिटल्स को बताया और इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रह सकते हैं ये बताया, ये पॉइंट जो इसने बताया mvr = nh/2π, इससे हमें ये पता चल गया कि इस ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। लेकिन फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो हमने पढ़ी। अगर आपको बोर मॉडल में कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।